गुजरात के वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में खोज नामक विंटर स्कूल एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में इंटर स्कूल सामाजिक प्रोग्राम खोज विंटर स्कूल एग्जीबिशन का प्रारंभ हुआ है, जिसमें छात्र 29 इनोवेटिव प्रोजेक्ट के साथ शिरकत कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन में 650 से ज्यादा छात्र और प्रोफेसर की मेहनत से अलग अलग 140 से ज्यादा पैनल्स और मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। इस एग्जीबिशन का नई दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व डायरेक्टर और गिफ्ट सिटी के स्वतंत्र डायरेक्टर प्रोफेसर चेतन वैद्य के हाथों प्रारंभ हुआ। नवरचना यूनिवर्सिटी में इस वक्त खोज एग्जीबिशन शुरू हो चुका है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज पर जिस इशू पर काम करा है उस इशू को एक्सप्लेन करने के लिए और उसमें उन्होंने क्या सॉल्यूशन ढूंढा है इसे एक्सप्लेन करने के लिए हर एक अलग अलग बोर्ड बनाए हुए हैं। तो इस वक्त मेरे पीछे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस इशू पर जो है रिसर्च करी है और उनके पास में क्या सॉल्यूशन निकल कर आया है। आपका नाम मैम? मेरा नाम द्विति ठाकर है। मैं नवरचना यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में हूँ इन बायोमेडिकल साइंस और हमने एक प्रोजेक्ट किया है, उस पर हमने पोस्टर्स बनाए हैं और प्रोजेक्ट का नाम है सी वाटर इंट्रूजन। तो उस टॉपिक पे लेके कहाँ पे वाटर वाटर को हम डिटेक्ट करते हैं, सारे सैंपल्स को हम कलेक्ट करते हैं, उनका TDS और EC हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं और देखते हैं कि वडोदरा में जो मही रिवर बेजन है उसके आसपास जितने भी विलेजेस हैं उनको हमने जाके पूछा है, उनके लोकल्स को। आपको कितना टाइम लगा है ये रिसर्च करने? हमें अराउंड हमें जो भी इंटरव्यूज लेने थे और गूगल फॉर्म्स पे हमने सारे क्वेश्चंस मिला के हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें हमें अराउंड 3 to 4 days लगे थे और हमने उसका बैठ के हमने पूरा कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड हमने सॉल्यूशंस भी निकाले हैं अपने तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उनके लिए साबित हो सके। तो उसके लिए हमें 1 week to 2 weeks लगे। क्या सॉल्यूशन आप लोगों ने मिलकर निकाला? यहाँ पे एकदम इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन वो है रिचार्ज वेल्स है, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ से जो भी वाटर है वो हम सेव करते हैं, उसको रखते हैं, जिससे वो आगे जाके लोगों के लिए काम आ सकता है। जो सॉल्ट वाटर है वो उनके काम में ना आ सके और उनसे जो भी तकलीफें हो सकती है लोगों को वो कम हो जाए। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में टोटल 23 है और हमारे दो प्रोफेसर जिनके मैं बहुत हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मोनिका मैम एंड सलोनी मैम, जिन्होंने हमें पूरे टाइम में बहुत सपोर्ट किया है और हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया है। तो चलिए एक और ग्रुप के साथ में जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस सोशल इशू पर काम करा हुआ है। मैम आपका नाम? दीक्षा दत्त। आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया? जनरली हमने खोज, हमारा बेसिकली नवरचना ने खोज करके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारी जो मैम है निकिता मैम, उन्होंने ये टॉपिक लिया था स्टडी ऑन अवेयरनेस ऑफ अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर अनप्रिविलेज्ड वुमेन। बेसिकली इसमें ये थीम है कि जितनी भी अनप्रिविलेज्ड वुमेन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, उनको हमें सारे स्कीम्स के बारे में एजुकेट करना था, जिससे उनको आइडिया आए कि वो आगे जाके उनका फ्यूचर हम कैसे सिक्योर कर सके। सो हमने ये प्रोजेक्ट और ये सर्वे हमने करना कहाँ से चालू किया? अपने घर से। हमारे जो घर में जो हमारी मेड्स आती हैं, पहले हमने उनसे पूछा कि आपको ये सारे स्कीम्स के बारे में पता है, बेसिक नॉलेज हमसे, हमने ये पूछा कि आपके पास बैंक अकाउंट है, ये जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो पूछे। फिर बाद में हमने उनके योजनाएं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं ना, वो हमने उनसे पूछा कि आपको ये योजनाओं के बारे में नहीं पता है, इफ पता है तो क्या पता, और इफ नहीं पता है तो हमने स्पेशली उनको एजुकेट किया। और फिर बाद में पोस्ट सर्वे के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विमेन्स जो थी ना वो इंटरेस्टेड थी ये सारी चीज़ों को जानने के लिए एंड अवेल करने के लिए। दिस ईयर खोज विंटर स्कूल 2023 देर आर टोटल 30 प्रोजेक्ट्स वेर फ्लोटेड बाय फैकल्टीज और जो 30 प्रोजेक्ट्स है वो सिलेक्ट हुए हैं मैनेजमेंट की तरफ से और वो 30 प्रोजेक्ट्स जो काम कर रहे उसमें टोटल 620 स्टूडेंट्स ने काम किया है और 50 प्रोफेसर्स आर इन्वॉल्व इन इट। और जो काम किया है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में सोशल इशू रिलेटेड काम हुआ है। तो जो काम हुआ है वो हुआ है पब्लिक हेल्थ में, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में हुआ है, देन वेस्ट मैनेजमेंट में हुआ है और अर्बन डेवलपमेंट में हुआ है। तो वो जो सारे जो सोशल इश्यूज है उसको, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं स्टूडेंट्स ने। और ये जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए 1 month की इंटेंस वर्कशॉप बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे,
और उस पर दे हैड डन लॉट ऑफ फील्ड वर्क्स, और फील्ड वर्क्स करने के बाद दे हैव डन इंटेंस वर्क ऑन एनालिसिस पार्ट एंड दे आर एमिंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस. फ्यू हैव माइट गॉट द सॉल्यूशन, फ्यू आर ट्राइंग, एंड आफ्टर दैट द बेटर अंडरस्टैंडिंग दे अचीव्ड. बहुत अच्छा प्रयत्न है, अलग अलग विषय के साथ लोगों को साथ में लाया गया और उनको शहर और आजू बाजू के गांवों के बारे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की. तो ये प्रोसेस इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनेंगे जो स्टार्टअप में जा सके, जो फाइनेंसिंग हो सके, शायद कुछ नहीं होंगे, पर मैं समझता हूँ बच्चों के लिए जिंदगी भर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और वो आगे एक प्रैक्टिकल अनुभव से नौकरी में या अपने खुद के प्रोजेक्ट कर पाएंगे. नवरचना यूनिवर्सिटी का जो खोज का प्रोग्राम है, आज का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, उसका एक विशेष रूप या हेतु ये है कि हमारे यहाँ से जो ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं उन्हें समाज की समस्या क्या है, हमारे देश की समाज की समस्या क्या है, उसका एक अनुभव बने और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खुद ले. इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड होते हैं उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स विलेजेस तक भी जाते हैं, गांव तक. क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, अर्बन रूरल का क्या कनेक्ट होना चाहिए, ये सबके ऊपर मल्टीडिसिप्लिनरी, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स साथ में ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन ऊपर उभर के आता है. और यही ट्रेनिंग है जो हम टीचिंग और लर्निंग बियॉन्ड बुक्स, किताब का लर्निंग के ऊपर जो जाता है, ये वो चीज है और ये हमारे देश में खूब जरूरी है. तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिस्प्ले किए गए हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है यहाँ पर जिन्होंने अलग अलग सोशल इश्यूज पर बात करी और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करी है. यहाँ पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये उनकी रिसर्च में पता चला है. तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है, तो क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए और अगर हम जैसे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है तो उन स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है. इसी तरह की अलग अलग जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से, बहुत वक्त लगाकर और सारे प्रॉपर डेटा एनालिसिस के साथ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करी है, जिसका एग्जीबिशन यहाँ पर आज से शुरू हुआ है. 10 से लेकर 17 तारीख तक यहाँ पर ये एग्जीबिशन रहे. अगर आप भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां पर जरूर विजिट कीजिएगा. फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए बीएनएम टीवी के साथ.